केसरिया वालों आओ हमारे देश। क्या घूर रही हो? माफ करना मुमल, पर इस तरह अपने घर वालों को धोखा देना ठीक बात ना है। मैंने आपकी और मोहित की सारी बातें सुन ली है। ओह, तो अब तुम मेरी भी जासूसी करने लगी? क्यों, भाई साहब भाभी साहब को परेशान करके जी नहीं भरा तुम्हारा? आप मारे को चाहे जो भी बोलो, पर मैं फिर भी यही कहूंगी कि आप गलत कर रहे हो। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मोहित, are you out of your mind? तुम्हें इससे क्या बात करनी है? मुमल, चाहे जो हो, इन्होंने मजबूरी में ही सही हम दोनों का साथ दिया है, हमारा सच घर वालों के सामने खुलने से बचाया है। इनकी गलती ना होते हुए भी इन्होंने हमारे खातिर इल्जाम अपने सर पे लिया। आई थिंक इन्हें हमारे बारे में सच जानने का अधिकार है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार के हाथों मजबूर हूँ, क्योंकि मैं और मुमल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर तो आपको इस तरह घर वालों से छुपकर मिलना नहीं चाहिए। जानता हूँ, अगर मुमल की जगह मेरी बहन होती, अगर वो भी किसी के साथ चुप चुप कर ऐसे मिलती, तो शायद मैं भी उसे यही कहता। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे भी मुमल से इस तरह मिलने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इस घर के लोगों के खिलाफ जाकर हमारी मदद करें। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप कुछ दिन तक ये बात घर में किसी को ना बताएं। मुझसे नाराज हो? ये पूछने आए हो? पूछने नहीं, बताने आया हूं कि मासा और बाबा से मेरी शादी की जल्दी कर रहे हैं। उन्होंने कोई दूसरी लड़की भी देख ली है। क्या? मेरे घर में भी यही हाल है। ओह नो, यानी मासा और बाबा साहब के कहने के मुताबिक हमने अगले एक हफ्ते में शादी नहीं की तो तुम उस दूसरी लड़की से शादी कर लोगे? अगर जरूरत पड़ी तो भाग चलोगे मेरे साथ? बात ठीक है चंचल, मैं अभी जाकर भाई साहब को बताती हूँ। मत, थारे को कुछ शर्म वरम है कि ना? तू जाके कहेगी उससे ये बात। मुमल ने जितनी मनमानी करनी है करने दे चंचल, मैं कल ही ठाकुर सूरजमल की हवेली संदेशा भिजवा रही हूँ। एक बार ब्याह हो जाएगा फिर अपने आप सब समझ में आ जाएगा। रणवीर और रसाल बाहर से आ जावे तो देखने दिखाने की भी रस्म कर लेवेंगे। लो मासा, छोटे ठाकुर खुद पधारे हैं, आओ बैठो। और छोटी ठाकुर आएंगे, अच्छी बैठ। रणवीर जी, मारे को थारे से एक बात करनी है। हाँ बताइए ना, क्या बात? अभी चंचल ने मारे से एक बात कही और मारे को भी लगा कि वो जो कह रही है वो सही है। रणबीर बेटा, जब से बीनी इस हवेली में आई है इतना कुछ घटे हुए है कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने को टाइम ही ना मिले। इसी वास्ते मारा हुकुम है कि तुम दोनों तीन चार दिन के लिए कठे बाहर घूमाओ, एक दूसरे के साथ समय बिताओ
और नए जीवन की शुरुआत करो। लेकिन दादी साहब, अभी अभी तो मैंने फिर से ऑफिस जाना शुरू किया है, ऐसे में 3-4 दिन की छुट्टी ले ली तो। तो थारे को किसी को जवाब देना है क्या? रणवीर, इंसान खुशी के मौके ढूंढे, मेघ के जाने से भी जीवन तो ना रुका, तो थारे कुछ दिन काम पे ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा? परिवार के सभी लोग तने छोटे ठाकुर सा कहकर बुलाते हैं रणवीर, तने भी ये जिम्मेवारी अपने कांधे पर ले रखी है और निभा भी रहे हो, पर इसके साथ साथ बींद होने के नाते थारा अपनी बींदनी के प्रति भी तो कर्तव्य होवे है। इसकी खुशियां अब थारे साथ बन गई हैं, इसीलिए कहूं हूं इसे खुश रख और हम सबको भी अपने वंश को आगे बढ़ा। शहर की पढ़ाई ने थारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खुलो कर दियो है, अब मारी बात गांठ बांध ले। बड़ों से आदर से बात करना और ब्याह के नाम पे थोड़ा सा शर्माना, अब वो दिन भी तो दूर ना है जब थारा ब्याह हो जाएगा। आशा आप भी प्लीज, पापा सा की शोक बिनाई की रस्म को अब एक दिन भी नहीं हुआ है, अभी तक तो ना आपके आंसू सूखे हैं ना मेरे। थारे पापा सा भी तो यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी थारी गृहस्थी बस जावे, वो ना रहे, पर उनकी इच्छा का मान करना ये भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती मासा, पापा सा के बिना ये सब सोचना मुझसे नहीं होगा। मैं जानू थारे को अपने पापा सा से कितना प्रेम था, और ये भी जानू कि वो थारे पर जान रखते थे। इसलिए मासा मुझे थोड़ा समय चाहिए, प्लीज इतनी जल्दी मेरी शादी मत करा। पसा, मैं सचमुच आपको बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज ये मत समझिए कि मैं अपनी शादी को टालने के लिए आपका बहाना बना रही हूँ। I love you पापा साहब। पैकेट आया होगा? हाँ आया है ना। ये हाँ हाँ ये ठीक है, इसे संभाल के रख दोगे? जी। एक मिनट, तुम्हें मालूम है ना कल हम हनीमून पर जा रहे हैं। देखो
तो हो ना। मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे? जी। हाँ, ये मैं रख देता हूँ। कजरी, चल परे हट, मारे को ठाकुर साहब वास्ते चाय बना ली। जी, आप मारे को लगा कि कजरी है तो मैं ठाकुर साहब के वास्ते अपने हाथों से चाय बनानी है। ले, बना ले। ना जीजी, आप चाय बना लो। मारे को लगा कि कजरी है इस वास्ते। अरे तो क्या हुआ, बना। हाँ जीजी, साची आप चाय बना लो, मैं चाय लेकर जाऊंगी। ठीक है। जीजी को कैसे बताऊं कि ठाकुर साहब और मैं घूमने जा रहे हैं? सुनकर न जाने जीजी के घर पर के बीतेगी, ये सोचेंगे जीजी। अपने सारे गरम कपड़े रख लेना, वहां पर ठंड होगी। अरे ध्यान कटे है तारा, पता भी है वहां कितनी ठंड होगी। अपने और ठाकुर साहब के वास्ते गरम कपड़े रख लीजो। जी जी, आप जानो हो। नौकरानी हो तो क्या हुआ, रहती तो इसी हवेली में हो ना। बड़ी ठकुराइन को दादी सा से बात करते सुना था, सुनकर घनी खुशी हुई कि ठाकुर साहब हमारी रसाल से इतना प्रेम करने लगे। जी जी, ये सोचकर आपको दुख ना हुए? दुख क्यों होवेगा? अरे थारी खुशी के वास्ते ही तो दिन रात कानाधार से गुहार करूं, और जब उनकी कृपा से तने खुशी मिल रही है तो मैं क्यों दुखी होंगी? भावली है तू भी। आप सच कहो जीजी। मन ने महारी जीजी पर पूरा भरोसा है, महारी जीजी कभी झूठ ना बोले। ऐसा कहकर अपने बीन से लड़ने वाली महारे से पूछ रही है कि मैं सच कहूं या झूठ। ले, ठाकुर साहब आठ देख रहे होंगे। जीजी जा रहा सा, और हाँ सारी तैयारी अभी से कर लीजिए, सुबह तड़के ही निकलना होगा ना। हमेशा खुश रहे। मासा रणबीर और रसाल को कुछ दिनों के वास्ते बाहर भेज रही है। अचानक? हाँ, ये सुझाव भी मारा ही था। मारे को इस हवेली की बड़ी ठकुराइन होने का फर्ज भी तो अदा करना है। मासा, ये तो घनी खुशी की खबर है। पर मारे को इस खुशखबरी से कोई खुशी ना है। मारे को तो तू बता कि तू मारे को खुशखबरी कब दे रही है।
एक बात समझ लो बिन्नी, अगर रणबीर और रसाल ने इस हवेली का वंश आगे बढ़ाने की खुशखबरी तुम दोनों से पहले दे दी तो ये मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। गायत्री जीजी का हाल तो देखा है ना तने? ये तुम्हारी मेहरबानी है कि इतने साल से तारी कोख से कोपल ना फूटने के बावजूद भी मैंने कभी दीप से दूसरे ब्याह की जिद ना की। पर हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो दीप, तुम पद्मा को लेकर कली अस्पताल जाओ और सारी जांच करवा लो। मासा, काहे की जांच? ये जानने के लिए कि शराब पी पीकर थारा शरीर खोखला तो ना हो गया, थारी कोख बांझ तो ना हो गई। पहुंचते ही फोन कर देना। ताया सर, हमें तो पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी। आप क्यों खामा खामे जागते रहेंगे? मैं कल सुबह फोन कर दूंगा। अरे रणवीर, ऐसी बात है तो मारे को फोन कर, मैं थारे फोन का इंतजार करूंगा। अपने भाई पे इतना तो विश्वास कर सकते हो ना? कैसी बात कर रहे हैं भाई सर। जा मारी बहन, कान्हा थारे को जीवन की सारी खुशियां दे दे, थारे सारे सपने पूरे हो। रसाल की खुशियां मांगी थी थारे से काना था, आज जब रसाल को ठाकुर साहब के साथ उन खुशियों को पूरा करने जाते देखूं तुम्हारा मन क्यों उदास हो रहा है? कहीं ऐसा तो ना है कि मन ने मारी ही छोटी बहन से जलन होने लगी है? सोच रही हूँ ये मारे को क्यों हो रहा है?